Welcome students. Now we discuss about apparent shift in the position of sunrise and sunset. हम लोग को जो है जो हम लोग का आज टॉपिक है वो आपको जो है सनराइज और सनसेट के समय जो है आपको सन की पोजीशन में जो शिफ्टिंग होती है अपेरेंट शिफ्टिंग होती है उसके बारे में बतलाना है. With altitude, the refractive index of air layer decreases. The light ray starting from sun, travels from rarer to denser medium. So they bend more and more towards, normal, and it make an angle on the observer eye. Okay. जैसे जैसे जो है एल्टीट्यूड के साथ आपको जो है एयर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपको डिक्रीज होने लगता है और लाइट रे जो है सन जो है वो आपको रेयर मीडियम में होता है और ऑब्जर्वर जो है जो कि अर्थ सरफेस पे है वो डेंसर मीडियम में है तो लाइट रे जो है वो आपको जो है अधिक से अधिक बैंड करता है नॉर्मल से जो है के टुवार्ड्स जो है वो आपको बैंड करता जाता है. The light ray bends more and more towards the normal and it makes an angle on the observer eye. ऑब्जर्वर की आई तक तो ये होता है और लाइट रे चूँकि हम जानते हैं कि सीधे रे में ही करती है इसलिए जो है सन की एक्चुअल पोजिशन जो है वो ओरिजिन से नीचे होती है लेकिन ये आपको सन की पोजिशन जो है वो आपको हेरोइन से ऊपर दिखलाए आपको पड़ती है. ये पोजिशन आपको एस डैश की है ये पोजिशन आपको एस की है. So the sun appear at position S dash above the horizon. Now the apparent shift in the direction of the sun is by about 0.5 degree से ये आपको जो है होता है. Thus the sun appear to rise early by about 2 minutes. ठीक है यानी कि सन जो है उगने से 2 मिनट पहले ही हमको दिखना लगता है. And for the same region इट्स अपीयर टू सेट लेट बाई अबाउट 2 मिनट्स और सेम इसी रीजन से जिस कारण से वो हमको 2 मिनट पहले उगता हुआ मालूम होता है सेम इसी कारण से जो है वो हमको 2 मिनट बाद जो है मालूम होता है कि वो आपको डूबा हुआ है. सो द इंक्रीज द लेंथ ऑफ द डे बाई अबाउट 4 मिनट इसी के कारण जो है दिन हमें 4 मिनट अधिक लंबा मालूम होता है. सो डे आर इलोंगेटेड 4 मिनट. ओके द नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है और एसेंशियल कंडीशन क्या है. एसेंशियल कंडीशन है कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आपको जानी चाहिए ठीक है. और यदि लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और यदि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाता है तो वो सेम ही मीडियम में फिर से आपको वापस चली जाती है. यही घटना आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है. द फिनोमिना इन विच ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये आपको बेसिकली एक इंटरफेस है ये इंटरफेस है जो कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को सेपरेट कर रहा है. जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे मूव करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाइएगा तो आपको जो है वो आपको और नॉर्मल से अवे मूव करती चली जाएगी और एक समय वो ऐसा आएगा जब वो आपको जो है इंटरफेस पे मूव करना ये इंटरफेस है जो कि दोनों मीडियम को सेपरेट किया हुआ है ये इंटरफेस पे चलना आरंभ कर देती है. तो जब ये इंटरफेस पे चलना जो है आरंभ कर देती है तो ये एंगल जो है वो आपको क्रिटिकल एंगल कहलाता है और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये आपको अधिक होगा तो ये रे जो है वो सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी. ये घटना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है. तो क्रिटिकल एंगल क्या है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द रेयर मीडियम
is 90 degree is called critical angle of the denser medium, and it is called by denoted by IC. The angle of incidence into the denser medium, for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, is called critical angle of the denser medium, and it is denoted by IC. और वो नहीं तो एक और डिफिनीशन ले सकते हैं कि वो एंगल जिस पर की लाइट रे जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है वो इंटरफेस पे मूव करना स्टार्ट कर दे, तो वो एंगल जो है वो आपको क्रिटिकल एंगल कहलाता है, वो एंगल आपको क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ये साइन आई बाई साइन आर इजकल टू 2μ1 होता है, और इसको हम लोग ले सकते हैं 1/1μ2, वेयर आई इजक्ल टू आई सी, क्रिटिकल एंगल कर लीजिए तो आर 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन आई सी और रिफ्लेक्टर का एंगल है साइन 90 डिग्री बराबर 1/1μ2, साइन 90 डिग्री 1 होता है तो 1μ2 बराबर 1/साइन आई सी। फॉर रेयर मीडियम इन एरर μ1 जो है वो आपको 1 है, तो μ2 जो है वो μ है, तो इसकी जगह μ कर लीजिए तो μ बराबर 1/साइन आई सी। यही आपको जो है द रेयर मीडियम इन एयर, सो μ1 जो है 1 होता है, μ2 बराबर μ, सो μ बराबर 1/साइन आई सी।